हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्तू टेकिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको लीप सेकंड के बारे में बताऊंगा। लीप सेकंड क्या है और एक निगेटिव लीप सेकंड कैसे मोबाइल और कंप्यूटर जैसे गैजेट्स को क्रैश कर सकता है, तो चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। आप सभी लीप ईयर के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे हर 4 साल में एक दिन जोड़ दिया जाता है। ठीक इसी तरह कभी कभी 1 सेकंड जोड़ने की ज़रूरत भी पड़ती है। लीप ईयर की ही तरह इसे लीप सेकंड कहा जाता है। धरती को यानी पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने यानी एक चक्कर लगाने में 86,400 सेकंड या 24 घंटे लगते हैं, लेकिन अपनी धुरी पर एक गुरुत्वाकर्षण की वजह से लड़खड़ाने लगती है, जिससे चक्कर पूरा करने में सेकंड से भी कम वक्त का हेर फेर हो जाता है। अगर हम इस समय को सटीक रूप से मापें तो दरअसल यह 86,400.002 सेकंड के बराबर होता है। हर दिन 0.002 सेकंड जमा होते रहते हैं और एक साल में करीब 2 मिली सेकंड जुड़ जाते हैं। इस तरह से करीब 3 साल में पूरा 1 सेकंड बन जाता है। लेकिन यह इतना छोटा वक्त है कि कई बार इसे पूरा होने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है। इसका असर यह होता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम यानी IAT से इसका तालमेल बिगड़ जाता है। इसे सही करने के लिए कई बार 1 सेकंड को जोड़कर घड़ियों का टाइम सही किया जाता है। फ्रांस स्थित इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन सर्विस लीप सेकंड को जोड़ने का काम करती है। लीप सेकंड का ऐलान हमेशा 1 महीने पहले किया जाता है। ये अतिरिक्त सेकंड हमेशा आधी रात के बाद ही जोड़ा जाता है। लीप सेकंड हमेशा जून 30 या दिसंबर 31 को ही होता है। लीप सेकंड के दिन रॉकेट लॉन्च नहीं किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यदि पृथ्वी तेज गति से घूमती रही तो एक नए निगेटिव लीप सेकंड की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि घड़ियों की गति को सूरज के हिसाब से चलाया जा सके। निगेटिव लीप सेकंड से बड़े नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। इससे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य कम्युनिकेशन सिस्टम की घड़ियों में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। मेटा ब्लॉग की रिपोर्ट कहती है कि लीप सेकंड वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनोमर्स यानी खगोलविदों के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह एक खतरनाक परंपरा है जिसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। यह इसलिए क्योंकि घड़ियां 23:59:59 के बाद 23:59:60 पर जाती हैं और फिर 00:00:00 से दोबारा शुरू हो जाती हैं। टाइम में यह बदलाव कंप्यूटर प्रोग्रामों को क्रैश कर सकता है और डेटा को करप्ट कर सकता है, क्योंकि यह डेटा टाइम स्टैम्प के हिसाब से सेव होता है। मेटा ने बताया कि यदि निगेटिव लीप सेकंड जोड़ा जाता है तो घड़ियों का समय 23:59:58 के बाद सीधा 00:00:00 पर जाएगा और इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस समस्या के हल के लिए इंटरनेशनल टाइमर्स को ड्रॉप सेकंड जोड़ना होगा। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां जैसे कि गूगल, अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने लीप सेकंड को खतरनाक बताते हुए इसे ख़त्म करने की मांग की है। दुनिया भर की घड़ियां जिस UTC के आधार पर चलती हैं उसे 27 बार लीप सेकंड से बदला जा चुका है। असल में कुछ साल पहले तक सोचा जाता था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार कम हो रही है। ये थी लीप सेकंड से रिलेटेड कुछ तथ्य। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।